ये चरणप्रीत सिंह पहले आज से एक साल पहले सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए, और सीबीआई के उस वक्त के जज एम के नागपाल ने इनको जमानत दी ये कह के कि इनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि ये किसी भी तरीके से तथाकथित एक्साइज मामले में शामिल हैं। ये बात कह के इनको बेल पिछले साल सीबीआई के मामले में दी गई जब सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया। अब एक साल बाद जब इस मामले की जांच करते करते 2 साल हो गए सीबीआई और ईडी को, अब इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और साहब ऐसा हल्ला मचाया जा रहा है जैसे पता नहीं किसको गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी के बाद अगले नंबर यही था इनका कि इनको गिरफ्तार कर लिया, बहुत जो है बड़ी बात हो गई। इस तरह से दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि कोई सबूत नहीं है ईडी के पास। कोई मामले को चलाने के लिए सीबीआई ईडी के पास कोई ऐसा सबूत एविडेंस नहीं है कि इसको साबित करे, और कम से कम दिल्ली वाले तो मान लें कि भ्रष्टाचार हुआ था। यह परेशानी है। मैं कुछ बातें इनके विषय में बताना चाहता हूं कि जिस तथाकथित सबूत के नाम पे इनको गिरफ्तार किया है वो क्या है। कोई गुजरात के अंदर आड़ती है, कोई गुजरात के अंदर हवाला का कारोबारी है जिसने अपनी हाथ से नोट्स में गुजराती में इसका नाम पे कुछ लिखा हुआ है। आरोप बार बार ये लगता है कि पैसा साउथ से दिल्ली आया, दिल्ली से गोवा गया। भाई पैसा अगर साउथ से दिल्ली आया, दिल्ली से गोवा गया, तो गुजरात के अंदर एक ऑपरेटर क्यों गुजराती के अंदर उसके बारे में लिख रहा है? और क्या कोई किसी के हाथ की एंट्री सबूत मानी गई है? अभी अभी सहारा बिरला डायरी के बारे में सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट के कई मामले इसके ऊपर आ चुके हैं, कई फैसले आ चुके हैं जिसमें साफ है कि इस तरीके की एंट्री कोई भी सबूत नहीं मानी जाती, वरना तो प्रधानमंत्री की अब तक जो है इंक्वायरी हो चुकी होती। प्रधानमंत्री का नाम जो है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उनके नाम पे कुछ पैसे लिखे हुए थे, डायरी जमानत जब्त हुई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। एक ये है। दूसरा, कोई महिला है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गोवा के मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, उनकी कैंपेन देखी है, भारतीय जनता पार्टी के गोवा के मुख्यमंत्री के साथ उनका कोई बयान है जिसमें वो कहते हैं कि चरणप्रीत ने मुझे कैश पैसा दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने वाली महिला, और जो खुद सीबीआई का रिकॉर्ड कहता है वो ये है कि ये जो चरणप्रीत हैं ये एक फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं और ये कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं।